स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा हिंदी में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास DL Ed द्वितीय सेमेस्टर का सेकेंड सेमेस्टर का ये विषय है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं। ठीक है, तो UP TET और CTET के एग्ज़ाम के लिए भी ये प्रारंभिक शिक्षा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप प्रारंभिक शिक्षा के ही टीचर बनेंगे, प्राइमरी टीचर के लिए आप एलिजिबल भी हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। और सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट में हमको कितना पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। तो जो मेन टॉपिक है पहले उनकी बात करेंगे। तो पहली क्लास जो रहेगी हमारी इसी से रिलेटेड रहेगी, तो इसका हमने टाइटल भी रखा है कि कक्षा शिक्षा विषय वस्तु। तो हमें इसमें क्या क्या सीखना है वो हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम विषय वस्तु की बात कर रहे हैं, तो जो पहला जो टॉपिक है ये प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक और प्राविधान एवं प्रतिबद्धताएं। तो ये जो सार्वभौमिकरण से मतलब है यूनिवर्सल जो चीज़ें हैं उन उससे मतलब है। तो यानी कि प्रारंभिक शिक्षा है ये सब जगह कंपलसरी है, तो संवैधानिक इसमें क्या क्या प्रावधान है तो उसकी बात करेंगे। तो इसमें जो पॉइंट्स रहेंगे संविधान के अनुच्छेद आपको पढ़ने हैं 21A, 29(2) एवं 45 के अंतर्गत शिक्षा संबंधी सरस्वतियाँ, और इससे आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो इसको आप ज़रूर ध्यान से देखिए। देखिए, अगर आपको विषय वस्तु पूरी पता है अपने विषय की सब्जेक्ट की, तो आप बहुत अच्छे से टॉपिक को कवर कर पाएंगे। फिर दूसरा टॉपिक इसी में रहेगा बच्चों का अधिकार, क्या क्या दिया है बाल अधिकार नाम से जो चैप्टर है, तो ये इसमें संवैधानिक क्या क्या प्रावधान है। तीसरा है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, ये है 2009। तो ये जो बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम बना था ये 2009 में बना था, जिसका नाम दिया गया है RTE 2009, यानी कि राइट टू एजुकेशन। तो ये सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। और आगे और देखते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट जो रहेगा पॉइंट नंबर 2, इसमें है प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग एवं समितियां, यानी प्रारंभिक शिक्षा को लेकर के कौन कौन सी कमीशंस और समितियां जो है वो बनाई गई हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। तो कौन कौन सी एक बार इनको नज़र कर लेते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात कुछ संक्षिप्त जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई। उसके बाद में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, जो आप लोग सभी परिचित होंगे, बहुत फेमस रही। बुड का घोषणा पत्र, हंटर आयोग, ऑकलैंड कर्जन, देखिए इन सभी से आपके यूनिट टेस्ट 1 में क्वेश्चन भी बने थे, अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपको जरूर मालूम होगा। कोठारी आयोग, फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, इसका भी एक क्वेश्चन आया था। यशपाल समिति, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005, इसको की बोला गया NCF 2005। फिर नेक्स्ट जो समिति बनी शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2009, इसको बोला गया NCFTE 2009, यानी जो टीचर्स हैं उनके लिए क्या क्या सिलेबस होना चाहिए उनके प्रशिक्षण के लिए, शिक्षण के लिए। फिर इसमें तीसरा पॉइंट देखने को मिलेगा आपको, प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम और परियोजनाएं, जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है, चूँकि अब UP DL Ed कर रहे हैं तो ये लगभग सभी में रहेंगी। तो उत्तर प्रदेश में कुछ अलग उन्होंने अपने कार्यक्रम संचालित किए हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना, जिसको नाम दिया गया है OB, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम यानी PMOST, फिर दिया गया प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम जिसको SOPT बोला गया, फिर बेसिक शिक्षा परियोजना चालू की गई जिसको BEP बोला गया, फिर उसके बाद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वितीय एवं तृतीय करके चालू किए गए जिसको DPEP बोला गया। ये टर्म हैं जो आपको याद भी रखने होंगे आगे चल के। फिर विद्यालय शिक्षा की तैयारी, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम, ये इस तरीके से बनाए गए। तो ये जो विषय वस्तु है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं भावी अध्यापक और इंटरव्यू अच्छे से क्वालिफाई करना चाहते हैं, UP TET CTET में अच्छे मार्क्स को गेन करना चाहते हैं,
तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले इस सीरीज़ में आपको क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप और डिस्क्रिप्टिव भी मिलेंगे, और डीएलएड की कंप्लीट सीरीज सब्जेक्ट वाइज बनेगी, और उसमें आपको यूपी टेट और सी टेट और सुपर टेट में काफ़ी हेल्प रहेगा। यहीं से सब कुछ आता है, देखिए कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता है ना, क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं हैं सिस्टमेटिक, तो प्रॉब्लम होती है। फिर आगे जो पॉइंट्स हैं वो रहेंगे संपूर्ण साक्षरता अभियान जो चलाया गया, फिर सर्व शिक्षा अभियान, देखिए इसका भी एक क्वेश्चन आया था, फिर NPEGEL यानी नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल यानी प्राइमरी लेवल, स्कूल चलो अभियान जो चालू किया गया, कस्तूरबा गांधी आवासीय विकास विद्यालय योजना चालू की गई, PCCE कार्यक्रम बनाया गया, एक राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्टार्ट हुई है, मध्यान्ह भोजन या पोषाहार वितरण ये सभी लोग जानते हैं है ना, ये चलता है मिड डे मील, फिर है छात्रवृत्ति वितरण, स्कॉलरशिप से रिलेटेड अन्य प्रोत्साहन योजनाएं, यानी बच्चे और पढ़ाई में मन लगा के पढ़े तो उसके लिए कुछ प्रोत्साहन स्कीम्स चलाई गई, फिर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और गणवेश बच्चों हेतु फर्नीचर, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है सिलेबस के अंदर, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए ताकि सभी का भला हो सके। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो से हम इसको डिटेल में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।